Dear students, today we'll discuss about consigning the goods at invoice price. Consigning the goods at invoice price. तो सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को गुड्स इनवाइस प्राइस पर भेजता है। उसका कारण ये रहता है कि इनवाइस प्राइस पर इसलिए भेजता है कि वो कंसाइनी से जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को वहाँ पर सीक्रेट रखना चाहता है, छुपाना चाहता है। तो जैसे मान लीजिए आनंद है कंसाइनर, ये अपना गुड्स भेजता है, मान लीजिए कैलकुलेटर भेजता है भावना के पास। तो 1 लाख रुपए मूल्य के कैलकुलेटर भेजता है, कॉस्ट है 1 लाख रुपए और इनवाइस प्राइस इसने रखा है इनका, इनवाइस प्राइस 1,20,000 रुपए, यानी कि 1,20,000 रुपए जोड़ के और भेजता है किसके पास, भावना के पास। और फिर एंट्री क्या करता है, एंट्री ऐसे करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए और टू लिखेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,20,000 रुपए फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवाइस प्राइस। तो इस प्रकार से एंट्री की जाती है। और जब कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाएंगे तो देखिए यहां पर हम बना लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो 1,20,000 रुपए इसके डेबिट साइड में यहां पर हम लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,20,000 रुपए यहां पर लिखेंगे। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस की बजाय इनवाइस प्राइस हमने लिख दिया है और इनवाइस प्राइस लिखने के कारण यहां जो प्रॉफिट आएगा कंसाइनमेंट का वो ठीक नहीं आएगा। टू गेट द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट इट इज नेसेसरी हेयर टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, लेकिन यहां पर हमने इनवाइस प्राइस लिखा है तो 20,000 रुपए की एंट्री हमने रिवर्स इधर करनी पड़ेगी। 20,000 रुपए की एंट्री हमने क्रेडिट साइड में यहां पर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या एंट्री हम करते हैं, यहां पर इसी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए और टू लिखेंगे यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट 20,000 रुपए। तो इस प्रकार से ये एंट्री हम यहां पर करते हैं और नरेशन हम लिखेंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो 20,000 रुपए एक्सेस प्राइस यहां पर हमने जोड़कर भेजा है। तो 1,20,000 रुपए जो इनवाइस प्राइस है इसको हम लोडेड प्राइस भी कहते हैं, इनके 20,000 रुपए इसमें हमने एक्स्ट्रा लोड कर दिया है अमाउंट, इनके प्रॉफिट इसमें 20,000 रुपए का हमने लोड कर दिया है, तो लोडेड प्राइस भी इसको हम बोलते हैं। अब मान लीजिए कि भावना ने 90% माल बेच दिया है, 90% का मतलब है कि 90,000 जो कॉस्ट 1,00,000 रुपए का माल हमने भेजा था तो 90,000 का माल उसने बेच दिया है, 90,000 का माल। तो अब कितना माल बच गया उसके पास, 10,000 रुपए का माल बच गया, 10,000 रुपए कैलकुलेटर उसके पास बच गए। और ठीक इसी प्रकार से इनवाइस प्राइस का हम 90% करते हैं तो ₹1,08,000 बनता है, तो ये इसमें से हम लेस कर दें तो यहां पर इनवाइस प्राइस पर जो स्टॉक शेष रहता है, कैलकुलेटर जो शेष रहते हैं वो 12,000 रुपए कैलकुलेटर शेष रह गई। जो अनसोल्ड स्टॉक भावना के पास शेष रह गया है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000 रुपए और इनवाइस प्राइस कितनी है उसकी, 12,000 रुपए। तो इस 12,000 रुपए की एंट्री हम यहां पर करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो 12,000 रुपए यहां पर हम लिखेंगे ऐसे, लेकिन हमें मालूम है कि इस 12,000 में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं तो 2,000 रुपए की एंट्री हम रिवर्स एंट्री करते हैं। यहां पर एंट्री हम करेंगे 2,000 रुपए यहां पर लिखेंगे, 12,000 की एंट्री हम करेंगे पहले स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ₹12,000 और टू लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट ₹12,000। तो इस प्रकार से 12,000 रुपए की एंट्री होगी और इसमें जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है उसकी एंट्री हमारी होगी। उसमें क्या करते हैं हम,
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट यहां पर कर लेते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट रुपीज 2000, और टू लिखेंगे स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट रुपीज 2000, क्लोजिंग स्टॉक में जो 2000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ा हुआ है उसके लिए एंट्री यहां पर हम ऐसे करते हैं। तो इसमें आप समझ गए हैं कि इनवाइस प्राइस पर जब माल भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में एंट्री हम करते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इनवाइस प्राइस के ऊपर ये अमाउंट लिखा जाता है। और फिर इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं हम क्रेडिट साइड में, वहां पर लिखते हैं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें हमने जोड़ा है उसी अमाउंट को यहां पर क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम यहां पर करते हैं इनवाइस प्राइस पे, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट रुपीज 12,000, तो 12,000 रुपए का माल यहां पर बचा हुआ था तो उसकी एंट्री हमने की है। और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डेबिट साइड में होगी टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी जुड़ा हुआ है उसकी एंट्री यहां पर डेबिट साइड में होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहां पर डिस्कस किया है कि इनवाइस प्राइस पर जब वस्तुएं कंसाइनमेंट में भेजी जाती हैं तो उनको किस प्रकार से कंसाइनमेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज उनकी करते हैं। इस संबंध में कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट का जवाब हम अवश्य देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कमीशन है वो कितने प्रकार का होता है और उनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।